हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। राम राम। स्वामीनाथ किचन में आपका स्वागत है। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू एवरीवन। और इस वैलेंटाइंस डे पे मैं चाहती हूँ कि आप अपने वैलेंटाइन को बहुत ही अच्छा गिफ्ट दें। तो यहाँ पर मैंने चॉकलेट्स बनाई है। यू कैन सी द शेप, हार्ट शेप, एंड इट्स फिल्ड विद गनाश। यहाँ पर मैंने इसमें गनाश को फिल किया है। आप चाहो तो उसकी रेसिपी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। ओके, एंड लेट्स सी इसको कैसे बनाते हैं। बट उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप सबके मुंह में पानी आए, तो ये वीडियो तो बनता ही है। देखना, लुक एट दिस। ओके, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। यहाँ पर मैंने मिल्क कंपाउंड लिया और डार्क कंपाउंड। डार्क कंपाउंड 200 ग्राम है और मिल्क कंपाउंड 100 ग्राम। देखिए, इसको काट लिया। अब हम इसको एकदम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। डबल बॉईल करना है हमको इसे। ये देखिए, मेल्ट हो चुकी है चॉकलेट, एकदम अच्छे से मेल्ट हो जानी चाहिए। यहाँ पर मैंने व्हाइट कंपाउंड लिया 1 टेबलस्पून जितना, और else 50 ग्राम। इसको भी मैंने डबल बॉईल कर लिया है। और ये मोल्ड है हमारा, आप डिफरेंट मोल्ड ला सकते हो। यहाँ पर हार्ट शेप मोल्ड मैंने यूज किया है। व्हाइट कंपाउंड को मैं रिटर्न पोर्शन पर स्प्रेड करूंगी। इस तरह से एकदम रफली स्प्रेड करना है, और एकदम अच्छे से फिल नहीं किया मैं इसको, हल्का एकदम रफली इसको रब कर रही हूँ। ये देखिए, हो गया। और यहाँ पर जो लिप्स है नीचे, उसके बीच में मैंने एक डॉट कर लिया है। और इसमें हम फूड कलर ऐड करेंगे, जो कि चॉकलेट के लिए यूज होता है। दैट ओनली हमको यूज करना है। रेड कलर मैंने यूज किया है, ये पिंकिश कलर हो गया है, जिसको मैं लिप्स में फिल कर दूंगी। यहाँ पर मैंने टूथपिक लिया है उसको फिल करने के लिए। लुक एट दिस, सो इट्स डन लाइक दिस ओनली। हम लोग दूसरा पीस में फिल कर लेंगे। ये हो गया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसको फ्रीज करेंगे 30 सेकंड के लिए। ये देखिए, यहाँ पर चॉकलेट जो हमने मेल्ट की थी, अब वो इसमें डालेंगे और इसको कोट करना है पूरा। मतलब जो शेप है, मोल्ड है, उसमें ये पूरी तरह से फैलानी है चॉकलेट हमको। ये देखिए, ये ऊपर का कोट होगा। सो स्प्रेड इट, और एक्सेस चॉकलेट आप उसको निकाल सकते हो। इसको भी फ्रीज करेंगे 1 मिनट के लिए। लुक एट दिस। अब हम इसमें गनाश ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने मिल्क चॉकलेट का गनाश लिया है। आप चाहो तो डार्क चॉकलेट का भी ले सकते हो, और इसकी रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए। इसको फिल कर लिया, इसको फिर से हम फ्रिज में रखेंगे 30 सेकंड के लिए, और else 1 मिनट के लिए भी रख सकते हो। और ये फिर से इसके ऊपर हम चॉकलेट डाल देंगे। आप चाहो तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो। सो ये चॉकलेट से फिल कर लिया, इसको टैप कर लीजिए और फिर से फ्रिज में रख लीजिए 1 मिनट के लिए। लुक एट दिस, इट्स रेडी। देखिए कितनी सुंदर लग रही है चॉकलेट। आप उसके ऊपर देखिए शेप कितना अच्छा आया है, एंड लिप्स आल्सो, इट लुक्स ऑसम। सो हो गया ना हमारा वैलेंटाइन डे स्पेशल। सो फ्रेंड्स, मेक फॉर श्योर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।